सर क्या कहना चाहेंगे, जो किसानों के ऊपर हमला भी हुआ है पीछे, लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद जो अनिल विज है झूठ बोलते हुए नजर आए कि किसानों के ऊपर किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं हुआ है, और आज फिर से किसान प्रदर्शन पे बैठे, इस सब के बारे में क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही घटिया सोच है सरकार की, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को दो टूक समझाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की समस्याओं का समाधान करें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जिन कुर्सियों पे ये बैठे ना, ये हमारी दी हुई है, अगर बैठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। ये कल तक उड़ते निकाल निकाल के नारे लगाया कर दे किसानों की समस्या के, आज ये भूल गए, सिर्फ अपना स्वार्थ जाना, इस फालतू कुछ नहीं पता इन्हें। तो मैं आपके माध्यम से इस सरकार ने दो टूक समझाना चाहूँ, ये कुर्ते का तो दूसरा काट के हमारे बीच में बैठ जाओ, और नहीं मामे काट के ले आवांगे। इतनी बर्बरता अब किसान पर हम सहन नहीं करांगे। आज किसान के साथ हर युवा वर्ग खड़े हैं, युवा क्या करेगा, आज उसके पास नौकरी नहीं है, उसका खेती जो हिला बचा छोटा मोटा उसको आप बर्बाद करने पर खड़े हो। हम ये कदापि सहन नहीं करेंगे, और सरकार के साथ दो हाथ करने के मूड में आ गया युवा। हमारी किसान सरदारी के साथ युवा अब तन मन धन से जुड़ के उनकी हिफाजत में भी साथ में, ये न बोले सरकार के भाई जो इन्होंने बेहुदी हरकत की थी वो सहन होगी। हम अपने किसान सरदारों पर इस तरह का अत्याचार कदापि सहन नहीं करेंगे, और हमारी सराफत को ये जो सरकार हमारी कमजोरी समझ रही है, ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। और जल्दी से जल्दी हमारे बाड़समंद के किसानों का समाधान करे, वरना हम बहुत जल्द शाम तक हमारी कमेटी ये फैसला लेगी कि हम आगे की चढ़ाई इशार की तरफ करें। हमने ये धरना एकांत में इसलिए रखा था कि भी हमसे कोई बीमारी का टाइम में कोई प्रभावित ना हो, लेकिन आज यहाँ धरना आंदोलन बन गया, और सरकार चेत गई तो ठीक है शाम तक का टाइम है, वरना हम ये आंदोलन चंडीगढ़ तक भी यूँ ना समझो कि दूर है, चंडीगढ़ भी चढ़ाई करने को तैयार है। सरकार जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। नाम है जी संदीप दिनवास।